हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है ये उन ट्रैवलर्स के लिए, इंडियन ट्रैवलर्स के लिए जो कि थाईलैंड ट्रैवल करते हैं। थाईलैंड एक बहुत ही इजीएस्ट ऑप्शन है ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज अभी वो आपको दे रहा है वीज़ा फ्री ऑप्शन, जो कि एक इजीएस्ट ऑप्शन है वीज़ा लेने का। सिंपली आपको अपना एयर टिकट लेना है और आपको थाईलैंड ट्रैवल करना है। वहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँच के इमिग्रेशन काउंटर पर जाना है और आपको वहाँ पर वीज़ा फ्री आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा 60 डेज़ का। तो अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बिल्ड करनी है, पासपोर्ट आपका नया है, कोई भी आपके पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगा है, तो आप थाईलैंड ट्रैवल करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि थाईलैंड के पास में मलेशिया है और सिंगापुर है। आप एक ही ट्रिप पर आप 3 कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड 3 कंट्री आप एक साथ विद इन 15 डेज या फिर 10 डेज का ट्रिप बना के आप 3 कंट्रीज अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवा सकते हैं 3 कंट्रीज की। तो ये वीज़ा फ्री ऑप्शन क्या है, अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि थाईलैंड ने वीज़ा फ्री ऑप्शन ख़त्म कर दिया है, बट अगेन उस स्टेटमेंट को वापस लिया गया था और ये कहा गया था कि वीज़ा फ्री कंटिन्यू रहेगा। और अब जो है स्टेटमेंट आया है कि वीज़ा फ्री जो है कंटिन्यू रहेगा जब तक कि फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं आती है। तो एक तरीके से इनडेफिनेटली जो है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए वीज़ा फ्री ऑप्शन रख दिया गया है। तो आइए देखते हैं और डिटेल्स इसके बारे में क्या हैं, कैसे आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको अभी भी रिक्वायर्ड है वीज़ा फ्री के लिए। सो लेट स्टार्ट। गुड न्यूज़ फॉर इंडियन ट्रैवलर्स, थाईलैंड हैज़ एक्सटेंडेड इट्स वीज़ा फ्री एंट्री पॉलिसी फॉर इंडियन नेशनल्स इनडेफिनेटली। इनिशियली सेट टू एक्सपायर ऑन 11th November 2024, द वीज़ा फ्री एंट्री प्रोग्राम नाउ हैज़ नो डिफाइंड एंड डेट, मेकिंग ट्रैवल टू थाईलैंड ईजियर एंड मोर एक्सेसिबल देन एवर। लेट्स सी सम मोर डिटेल्स। Thailand first introduced its visa-free entry program for Indians on November 2023, allowing them to stay in the country for 60 days without visa. Prior to this, Indians had to apply for a visa with a fee around 3,000 rupees along with supporting documents such as bank statements and hotel booking. तो visa-free option से पहले आपको visa लेना पड़ता था जिसकी cost लगभग 3,000 रुपये होती थी, प्लस डॉक्यूमेंटेशन भी था जैसे कि बैंक स्टेटमेंट और आपका होटल बुकिंग्स आपको प्रोवाइड करना पड़ता था अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो। लेट्स सी द रिक्वायरमेंट्स फॉर वीज़ा फ्री एंट्री। तो वीज़ा फ्री एंट्री के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, लेट्स सी। पासपोर्ट वैलिडिटी, इंश्योर डैट योर पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स फ्रॉम योर डेट ऑफ एंट्री इन टू थाईलैंड। कन्फर्म रिटर्न टिकट, Have a confirmed return or onward ticket to show your intended departure date within the 60-day period. Proof of accommodation. You may be required to show proof of accommodation for the duration of stay, such as hotel booking or an invitation from a Thai resident. Financial proof. It is recommended to carry at least 20,000 थाई बात अप्रॉक्सीमेटली ₹45,000 पर पर्सन एज अ फाइनेंशियल प्रूफ, दो इट इज़ नॉट ऑलवेज आस्क। तो फाइनेंशियल प्रूफ में ये है कि आपको इतना पैसा अपने साथ कैरी करके लेके जाना है, कैश में हो तो ज़्यादा बेटर है। और ज़्यादातर ये लोग नहीं पूछते हैं, क्योंकि मैंने जब अपने फैमिली के साथ ट्रैवल किया था 2019 में, तो उन्होंने सिर्फ मेरे से रिटर्न फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग के लिए पूछा था, प्रूफ ऑफ फंड्स उन्होंने नहीं पूछा था। तो ज़्यादातर मामलों में प्रूफ ऑफ फंड्स की डिमांड नहीं करते हैं। वंस यू अराइव एट द एयरपोर्ट इन थाईलैंड, सिंपली अप्रोच द इमिग्रेशन काउंटर विद दीज डॉक्यूमेंट्स। यू डू नॉट नीड टू अप्लाई फॉर वीज़ा बिफोर हैंड और फिल आउट एनी एडिशनल फॉर्म्स। वीज़ा एक्सटेंशन इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर 30 डेज। अगर आपका ये 60 डेज का वीज़ा फ्री ख़त्म हो जाता है और आप और स्टे करना चाहते हैं थाईलैंड के अंदर, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 30 डेज के लिए और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कि टोटल आपका जो है स्टे वो 90 डेज का हो सकता है। दैट मींस यू कैन स्टे अप टू 90 डेज वीज़ा फ्री इन थाईलैंड। तो अगर आप थाईलैंड ट्रैवल करने जा रहे हैं और आपको कोई भी उसके बारे में क्वेश्चन पूछना है
कि किस तरीके से आपको फ्लाइट बुकिंग करनी है, चीपेस्ट फ्लाइट बुकिंग करनी है और किस तरीके से होटल बुकिंग करनी है, वो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।